अस्सलाम वालेकुम, मैं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिकेट कॉर्नर। पीएसएल आने वाली है और आपको पता है पीएसएल के हवाले से सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और शायकीन में जोश व खरोश भी बढ़ता जा रहा है। तो आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं क्वेटा ग्लैडिएटर जो डिफेंडिंग चैंपियन है, उसके ओनर नदीम उमर और कप्तान सरफराज अहमद। तो उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज, सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा, तैयार है? जी बिल्कुल तैयार है। तो और कोशिश करेंगे कि टाइटल को डिफेंड करें और टीम अच्छी बनाई है। इस बार कुछ प्लेयर थोड़े मिसिंग हो गए, कुछ कैटेगरीज ऊपर नीचे हो गए, लेकिन हमने जो टीम बनाई है कोशिश की है कि बहुत अच्छी टीम बनाई है। इंशाल्लाह टाइटल को डिफेंड करने की भरपूर कोशिश करेंगे। फॉरेन प्लेयर भी आपके बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, जैसे वॉटसन वगैरह भी, और पूरा इवेंट यहाँ पर हो रहा है, इस हवाले से भी ज़्यादा पुरजोश हो? देखिए बिल्कुल, ऑब्वियसली पहली बार जो है पूरी पीएसएल जो है पाकिस्तान में हो रही है, तो हम सब समय सब जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कोशिश करेंगे कि अच्छे क्रिकेट खेलें अपने होम क्राउड के सामने। आपके लिए भी इवेंट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, सारे लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, कोच वगैरह भी, कि जी सरफराज जो हैं टीम में कम बैक के लिए, पीएसएल बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, तो आप भी इस हवाले सोच रहे हैं? नहीं सलीम भाई, अभी ऐसा नहीं सोच रहा, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि मैंने पीएसएल मेरे सामने एक इवेंट है और जो चीज़ मेरे हाथ में मैं उस बारे में सोच रहा हूँ, मैं अभी इतना लंबा नहीं सोच रहा। पीएसएल में कोशिश होगी अपनी फॉर्म और फिटनेस को अच्छा मेंटेन रखूँ ताकि अपनी टीम के लिए मैं अच्छी कारकर्दगी पेश करूँ एज अ प्लेयर और एज अ कैप्टन। फिटनेस तो आपकी थोड़ी और बेहतर लग रही है, वेट वगैरह भी लग रहा है कम किया? बस वो अभी टाइम ज़्यादा मिला हुआ है तो थोड़ा ज़्यादा काम हो रहा है, क्योंकि जब आप ऑफ डेज में होते हैं तभी आप थोड़ा अपनी आप को मेंटेन रख सकते हैं, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो आपके पास टाइम नहीं होता है इतना, तो अभी टाइम मिला हुआ है तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि अपने आप को और बेहतर फिट कर सकूँ। नदीम भाई आप बताइए, तैयारियाँ कैसी चल रही हैं? तैयारियाँ माशाल्लाह फुल स्विंग में। आज जो अच्छी खबर आई उसमें मैं सरफराज को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, उनकी यहाँ बेटी हुई है तो हमारे पास एडिशनल गुड लक आ रही है, फोर्स हमारी फैमिली की बढ़ गई है। और आप सही कह रहे हैं, दफ़ा हम लोग क्योंकि डिफेंडिंग चैम्पियन थे तो हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, और आई एम श्योर कि हमने जिस तरह टीम सिलेक्ट की है और सरफराज एक बार फिर इजाज़त कर रहे हैं, तो मोस्ट एक्सपीरियंस कैप्टन, मोस्ट एक्सपीरियंस टीम जिसमें शेन वॉटसन और जेसन रॉय, ये लोग सब हमारे पास हैं। कुछ प्लेयर जैसा भी सरफराज ने कहा बड़े हमारे यानी हैवी हार्ट से हमें छोड़ना पड़ा, जैसे राइली रूसो, सुहेल तनवीर, ये हमारे बहुत ही उसके, लेकिन वो मसले ऐसे थे कि हमने कुछ प्लेयर रिलीज करने पड़े। तो टीम तो अच्छी बनाई इंशाल्लाह, अब उस दिन अगर हम अच्छा खेलेंगे तो उस दिन जीतेंगे। जी हाँ, इंशाल्लाह हमने लोकल जो प्लेयर्स अवेलेबल हैं उसको 10 या 12 को उनका कैंप होगा यहाँ पे लगेगा, फिर जैसे जैसे फॉरेन प्लेयर्स आते जाएंगे तो उसमें इंडक्ट करते रहेंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह, देखें जिस तरह मोइन भाई और इन्होंने एक वो पूरा प्लान बनाया है, अब हमारा थिंक टैंक बैठेगा, सरफराज मोइन भाई उसमें आज़म खान ये लोग सब मिल के देखें स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दूसरी टीम्स कैसी हैं उनको एनालाइज करना चाहिए, तो वो एनालाइज करेंगे, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और मैचेज आएंगे उनको देखेंगे हम लोग। शेन वॉटसन के हवाले से पाकिस्तान की शायकी में भी बड़ा जोश खरोश पाया जा रहा है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मुझे वो यूएई में मिले थे, उस वक्त मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, बाद में फिर आपने उनको सिलेक्ट भी किया, तो उनके हवाले से भी बड़े पुरजोश हो गया। जी हाँ, वो बाकी वो पिछली दफ़ा जब आए थे तो काफ़ी एटीज हो गए थे, जिस तरह जबकि मैंने आपको बताया था एकदम क्राउड का जब हम चक्कर लगा रहे थे तो सिक्योरिटी वाले कह रहे थे करीब ना जाएं, उन्होंने कहा अब क्या करीब ना जाऊं मैं, तो वो बड़ा घुल मिल गए, और जिस तरह उनको रिसेप्शन यहाँ मिला था तो वो बहुत एटीज हैं। एंड आई थिंक वो क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के वो अब इंचार्ज भी हो गए प्लेयर्स एसोसिएशन के, तो उनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़रूरी है कि और लोगों को लेके आएँ, और आई थिंक वो वर्क भी कर रहा है अच्छा। जी वो तो बेचैन है, वो कह रहे मुझे पहले बुला लो सबसे। तो वो आपको पता है मुझसे ज़्यादा टीम ओनर लगते हैं, तो उनके बगैर टीम मुकम्मल नहीं, इंशाल्लाह वो भी आएंगे। वो वट बता रहा हूँ जो शेन वॉटसन ने मुझे कहे जब हम पहला मैच खेल लेते हैं, और क्राउड का जो रिस्पांस है स्पेशली उनके लिए, तो उनके एक वर्ड था कि वाओ, मतलब ये वो उनकी वो फीलिंग थी कि जो रिस्पांस, चूँकि बहुत टाइम पहले हो सकता है उससे पहले कभी पाकिस्तान वो 2006 में ए टीम की तरफ से खेलने के लिए आए थे, और उसके बाद वो 2019 में आए थे, तो ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा देख के बहुत खुश हुआ, और मैंने उनको यही बताया कि हमारा क्राउड भी उतना पैशनेट है जितना और मुल्कों का, जैसे आप इंडिया में आईपीएल खेलते हो यहाँ भी लोग जो है क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और ये उन्हीं का प्यार है जो कि आपको नज़र आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और यहाँ पर जो खेल के गए खुश होकर गए, जब भी इस बार वो दोबारा आ रहे हैं, उसके अलावा जैसन रॉय हैं वो इस बार आ रहे हैं, बेन कटिंग जो है वो वर्ल्ड 11 के साथ जो है वो लाहौर आए थे, तो वो प्लेयर सारे आ रहे हैं, तो हमें खुशी इस बात की कि हमारे प्लेयर सारे यहाँ पर मौजूद होंगे। आपकी जैसे प्लेयर मोहम्मद आमिर आए पहले,
उसके बाद अभी उमर अकमल और अहमद शहजाद को सब लोग तनकीद करते रहे कि ये लोग जो है मसले करते हैं टीम के लिए, लेकिन कम बैक हुआ उनका कॉमी टीम में पीएसएल की बेस पे, तो ये भी बड़े क्रेडिट जाते हैं आपको। देखिए मैंने पहले भी जब ये दोनों हमारी टीम में सिलेक्ट हुए थे और आज भी दोनों हमारी टीम में हैं, तो मुझसे पहले भी ये सवाल हुआ, मैंने कहा देखें मुझे नहीं मालूम कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, लेकिन जितना मैं उन दोनों के साथ खेला हूँ और वो दोनों बहुत अच्छे टीम मेट हैं, मैं उनके साथ एज अ प्लेयर भी खेला हूँ, एज अ कैप्टन भी खेला हूँ, तो मेरी उन दोनों से बहुत अच्छी दोस्ती है, इन ग्राउंड के अंदर भी ग्राउंड के बाहर भी, तो वो मेरे दोनों बहुत अच्छे कलीग्स भी हैं, दोस्त भी हैं, और हमने बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा, तो मुझे कभी भी उन दोनों की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हमने पिछले साल भी, अहमद दो साल पहले हमारे साथ रहा, फिर दोबारा आया, वो टीम मैन है, ग्राउंड में लड़ता है, उमर अकमल की भी यही खास बात है कि दोनों बहुत अच्छा टीम के लिए खेलते हैं, और जहाँ भी टीम को ज़रूरत होती है, पिछले साल तो दोनों ने बहुत अहम रोल अदा किया हमारी जीत में। कराची में भी बहुत ज़्यादा जोशो खरोश है, लेकिन इस दफ़ा जैसे नदीम भाई ने बोला ज़्यादातर आपके मैचेस तो बाहर ही होंगे। जी बिल्कुल, ऑब्वियसली हमें सपोर्ट तो खैर हर जगह ही मिलती है, लेकिन ये कि कराची के इसलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि हम सब कराची में रहते हैं, क्योंकि हमारी जो टीम है वो क्वेटा ग्लैडिएटर, वो उमर एसोसिएट के नाम से बहुत ज़्यादा पहचानी जानी जाती है कराची में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा क्रिकेट जो है अपने इन लोगों के सामने खेली है, चाहे वो रमज़ान क्रिकेट हो, क्लब क्रिकेट हो, तो ऑब्वियसली इस बार थोड़ी सी मिसिंग होगी, लेकिन कोशिश करेंगे जितने भी क्रिकेट खेलें हमें इंशाल्लाह सपोर्ट ज़रूर मिलेगी यहाँ पर। नदीम भाई क्वेटा के हवाले से लास्ट सवाल, क्वेटा में कोई एक्टिविटी कर रहे हैं मैच के? अभी हमारे लोग जा रहे हैं यहाँ पे, शायद सरफराज भी जाएं और लोग भी जाएं, और क्वेटा मॉल एक्टिविटी करेंगे बिफोर द टूर्नामेंट। वहाँ सिर्फ सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ बर्फ गिरी हुई, वरना तो वहाँ मैच भी होना चाहिए था। मैं पीसीबी से पहले भी दरख्वास्त की थी, तो वो कहते हैं अब इस कंडीशन में मैच कैसे हम कराएं, तो हम और कोई और फ्रेंचाइज सोच रहे थे वहाँ शोकेस कोई मैच खेलें, वहाँ जाके दिखाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर का ऐसा वहाँ मसला है कि वो हो नहीं सकता, और कोशिश करें जितनी एक्टिविटीज आउटसाइड द ग्राउंड कर सकें वो वहाँ पे करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे नदीम उमर और सरफराज अहमद, दोनों बहुत पुरअज़म हैं कि क्वेटा ग्लैडिएटर की टीम शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए पीएसएल में अपने एजाज़ का दिफा करेगी। हमारी भी नेक तमन्ना इनके साथ है, इंशाल्लाह फिर किसी और गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।